हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एस्टेट 2023 किसी भी लेवल की या एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताया रीजनिंग एस्टेट में 10 नंबर की और यहाँ 20 नंबर की। आज की जो अपनी क्लास है उसमें चाहे आपको कितने भी एंगल देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, टाइप वन एंड टाइप टू। बिना पेन उठाए आप उन क्वेश्चन, कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। टाइप थ्री क्या है, देखिए टाइप वन के अंदर अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, अपने को स्टार्टिंग पोजीशन दी गई थी, उसके बाद जो भी व्यक्ति है वो कभी दाईं ओर मुड़ता है, कभी बाईं ओर मुड़ता है, किसी भी डायरेक्शन में घूमता है, उसके बाद फाइनल आपसे पूछा जाता है कि वो उसका मुख या फेस किस डायरेक्शन में। दूसरा टाइप जो था उसमें कुछ ऐसा था कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करनी थी और लास्ट वाली पोजीशन हमें दी होती थी कि उसका मुख, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि लास्ट में जो व्यक्ति है चलने वाला उसका मुख मान लो उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया होगा और बीच में आपको बोला होगा दाईं ओर मुड़ा बाईं ओर मुड़ा। इस टाइप से दो टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से और बढ़िया क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। कंटेंट के बारे में मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है आपको कि कैसा है। आज का जो टाइप थ्री है इसमें आपको एंगल दिए होंगे और फेसिंग डायरेक्शन पूछेगा कि बंदा जो है उसने इस एंगल से घूम गया, इस एंगल से घूम गया, डायरेक्ट कैसे करना है उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन है बाइलिंगुअल, पूरा सेशन रहेगा, जो हिंदी में करते हैं वो भी दिक्कत ना माने। जैसे इंग्लिश वाले पढ़ रहे होंगे, हिंदी वालों के लिए कोई व्यक्ति है जिसका मुख किस डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में। व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। फर्स्ट, सबसे पहले उत्तर दिशा में, इसको पॉइंट को नोट करना आपको। उसके बाद देन ही टर्न्स, उसने मोड़ लिया 90 डिग्री कौन से, 90 डिग्री कौन से। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जिस तरह से घड़ी चलती है, मैंने पहले दो सेशन में आपको बताया है, क्लॉकवाइज उसने 90 डिग्री का क्या लिया, एक मोड़ लिया। उसके बाद वो 45 डिग्री से, 45 डिग्री कौन से क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब क्या करता है घड़ी के विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में। और उसके बाद वो 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमता है, दोबारा से क्या करता है, जिस हिसाब से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री के कोण से वो घूमता है, तो लास्ट में वो किस डायरेक्शन में उसका फेस होगा, मुख होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों, देखने के बाद कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डायरेक्शन दी मिलेगी, पहले जैसे उत्तर दी हुई थी, उसके बाद आपको बोला कि 90 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। हिंदी वालों के लिए दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया, बार बार ए डब्ल्यू सी का मतलब समझ लेना, ए सी डब्ल्यू का और सी डब्ल्यू का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, देखो दो तरीके हैं, एक तो तुम ऐसे बच्चों की तरह कर लो कि क्लॉकवाइज वाले जो घड़ी की दिशा में उनको ऐड कर लो, वो कितने हैं, ये भी घड़ी की दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में, 180 डिग्री हो गया। और जो इसके अपोजिट है वो कितना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला 45, इसको घटा दो तो ये आपका बचेगा 135 डिग्री। डायरेक्ट मैं करना चाहूं तो कट तो रही, यहां कटेगा नहीं, जहां कट रहा होगा पूरा पूरा एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से वहां काट देंगे, और अदरवाइज आप ऐसे जो क्लॉकवाइज वाले हैं घड़ी की दिशा वाले उनको ऐड कर लो, माइनस कर दो एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह तुम कर सकते हो। पहले घड़ी की विपरीत दिशा को लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी है, साइन का कोई चक्कर नहीं है। 135 डिग्री बच गया, अपने को दिया क्या हुआ था, नॉर्थ दिया हुआ था। अब ये तुम्हारे पास उत्तर दिशा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब किस दिशा में था, वो यहां था, और इससे मुझे कितना डिग्री चलना है, 135 डिग्री किस दिशा में चलना है। तुम कहोगे सर 180 तो क्लॉकवाइज था घड़ी की दिशा में, 180 क्या था क्लॉकवाइज और 45 क्या था एंटी क्लॉकवाइज, तो लास्ट में 135 डिग्री कौन सा बचा होगा, जो ज्यादा होगा वही तो बचेगा ना, कौन सा बचेगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी ऐसे घूमती है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और ये बीच का जो एंगल होता है ये कितने का होता है, आप कहोगे सर 45 डिग्री का। आपको पता है ये 45 और 45 मिलकर क्या बना लेंगे, पूरा 90 डिग्री। इसी तरह से मैं इसको पूरे को बोलूं तो 90 डिग्री, और इसको पूरे बोलूंगा तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि बीच का एंगल जो होगा वो 45 डिग्री, तो मुझे क्या चलना है, नॉर्थ से 90 डिग्री चलूंगा तो यहां जाऊंगा, और 45 डिग्री और चलूंगा, 90 प्लस 45 135 डिग्री हो जाएगा, मतलब मैं इस डायरेक्शन में बंदा पहुंच जाएगा यहां से यहां, तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ ईस्ट मतलब है दक्षिण और पूर्व दिशा में बंदा आ जाएगा, उसका मुख अब किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन ऐसे है कि कोई व्यक्ति है जिसका मुख आपको दिया गया है कि वो स्टार्टिंग में उसका मुख जो है वो इस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, यहां बंदा है इस दिशा में। उसके बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री चलता है, टर्न लेता है घड़ी की दिशा में,
फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर 45 डिग्री घड़ी के साथ घड़ी की दिशा में, या और 45 डिग्री फिर घड़ी की दिशा में। इतने मोड़ लेने के बाद उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा? तो हम कहेंगे सर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, काटेंगे जितना कट रहा होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो ये इससे कट जाएगा। तुम्हें पता है जो घड़ी की दिशा में घुमा और जो घड़ी के विपरीत घुमा, अगर एंगल सेम है तो काट दो। उसके बाद तुम कहोगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री मैंने काट दिया, लास्ट में सिर्फ मेरे पास क्या बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तुम वैसे भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज सारे ऐड कर लो, जैसे क्लॉकवाइज वाले कितने 90 प्लस 45 प्लस 45 और एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने है? तुम कहोगे एक 45 का है सर और एक 90 का है। ऐसे करके देखोगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा 45 डिग्री ही बचेगा। अब ये यहां बंदा है और चलना कैसे? अब तुम कहोगे ज्यादा कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, ये तो पता चल रहा होगा ना। ये कितना 135 है टोटल एंटी क्लॉकवाइज और ये कितना है 180 है, तो कितना बचेगा 45 डिग्री। किस दिशा में? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। तो हम कहेंगे सर हम जब घूमेंगे यहां से 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये 45 है ये 45 है, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो यहां, तो बंदा कहां आ जाएगा सर? ईस्ट में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में, ईस्ट में। क्या यहां तक की बात समझ में आई सबको? नॉर्थ ईस्ट में था, जितने भी एंगल दे रखे हो घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज हो उनको ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को अड़ों को काट दो, जितना बचे उसको घुमा दो। ठीक है, आगे चलो। ये क्वेश्चन खुद करोगे प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे लिए ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर दे देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई बंदा है उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा में है, उसके बाद वो पूरे स्टेटमेंट आएगी ऐसे लिखकर तुम्हें एग्जाम में, ऐसे बनाकर कोई नहीं देगा, ये समझाने का तरीका है, टू द पॉइंट क्वेश्चन। ऐसे जैसा पहले वाली स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, क्लॉकवाइज घुमा। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, पहली दिशा उठानी है, फिर जितने एंगल उठाने और उनके साथ में क्या लिखा हुआ है, घड़ी की दिशा में है घड़ी के विपरीत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर 1 करके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आपने पिछली दो क्लासे देखी है, ठीक है, तो ये कोई बंदा है, ड्राइंग तो ऐसी है फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है, उसका मुख है दक्षिण दिशा में या साउथ दिशा में। उसके बाद वो कहता है कि उसने मोड़ लिया, ये लिख देगा मोड़ लिया दाई ओर, फिर वो मुड़ा बाई ओर, ठीक है, और फिर मुड़ा 45 डिग्री से दाई ओर मुड़ा है 45 डिग्री से, ये मुड़ा अपना राइट में, लेफ्ट में, राइट में। तुम्हें पता है लास्ट की क्लास नंबर 1 में मैंने ये बोला था, जब जब तुम्हें लेफ्ट बोल दे, एक लेफ्ट का मतलब क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, और तुम्हें राइट बोल दे या दाई ओर बोल दे तो इसका मतलब भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये पिछली दोनों क्लासों में मैं बता चुका हूं, 10-10, 15-15 मिनट की मैक्सिमम क्लास है। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ठीक है, चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए, रीजनिंग दोनों के लिए, एक में 10 नंबर की आएगी, एक में 15 नंबर की आएगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें पता है भाई, अगर मैं इसको राइट पूरा राइट बोला गया तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये 45 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारा क्या है 90 डिग्री। तो मैं इससे डायरेक्ट काट देता हूं एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को। देखो ये वाला लेफ्ट राइट से कट जाएगा, ये पिछले क्लास में भी तो ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हमने, याद आ रहा है तुम्हें कुछ? इसको मैं इससे काट दूंगा, बिल्कुल काट देंगे सर। और अब तुम्हारे पास क्या बचा? तुम कहोगे एक लेफ्ट और एक दाई ओर, तो तुम्हारे पास ओवरऑल मैं बात करूं तो 45 डिग्री क्या बचेगा एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। तुम्हें पता है ना भाई, यहां मेरे पास 90 डिग्री तो घड़ी के विपरीत दिशा में बचा हुआ है और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा फाइनल 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में बचेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। और बंदा स्टार्टिंग में कहां है? साउथ डायरेक्शन में है, यहां है बंदा स्टार्टिंग में। अब इसको क्या घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी ऐसे घूमती है और हमें विपरीत घुमाना है, मतलब मेरे को यहां से ऐसे घुमाना होगा। ऐसे कितने डिग्री? 45 डिग्री, तो ये पूरा 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, बंदा यहां पहुंच जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे दक्षिण, हिंदी वालों के लिए दक्षिण पूर्व। मेरे ख्याल में तुम्हें समझ आ रहा होगा, सेशन पसंद आए तो लाइक करना। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे करना होगा? इतना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको बोल दिया जाए स्टार्टिंग में कि बंदा वेस्ट में है, मतलब है आप उन बोल दिया जाए पश्चिम दिशा में, कोई स्टार्टिंग में है, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में स्टार्टिंग में, ठीक है, पश्चिम दिशा में स्टार्टिंग में है, उसके बाद वो दाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ा, कुछ भी बोल दे, दाई ओर मुड़ा, दाई ओर मुड़ा, फिर वो उत्तर में आया, ठीक है, उसके बाद दाई ओर मुड़ा, दाई ओर मुड़ा, फिर पूर्व में,
ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये सारे काट दो, यहां से लेकर यहां तक इनका कोई काम नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। मतलब क्या है, तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि राम है, राम स्टार्टिंग में पश्चिम दिशा में था, पश्चिम दिशा के बाद उसने वो दाई ओर मुड़ा, फिर वो अपने दाई ओर मुड़ा, फिर वो उत्तर दिशा में पहुंच गया, फिर वो अपने दाई ओर मुड़ता है, फिर वो अपने दाई ओर मुड़ता है और वो पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। अब उसके बाद दाई ओर पूर्व दिशा में पहुंचने के बाद वो दोबारा दो बार दाई ओर मुड़ता है, कुछ भी दे सकता है ये, दाई ओर बाई ओर कुछ भी। तो ऐसे केस में अपने को जो बिल्कुल लास्ट की दिशा है, जैसे हमें फाइनल उसका डेस्टिनेशन पता चल गया कि वो पूर्व दिशा में है, इतना कुछ करने के बाद वो पूर्व में पहुंच गया है, तो पूर्व में पहुंचने के बाद ईस्ट दिशा में है और ईस्ट के बाद वो दो राइट ले रहा है, दो क्या ले रहा है, राइट ले रहा है, दो बार दाई ओर मुड़ रहा है। मैंने क्लास नंबर 1 में तुम्हें ये बताया था, अगर चार बार राइट ले, चार बार लेफ्ट ले, कोई भी एक, चाहे वो कोई बंदा चार बार राइट मुड़ जाए, चाहे वो चार बार क्या मुड़ जाए, लेफ्ट मुड़ जाए, वो अपनी सेम डायरेक्शन में उसका फेस क्या होगा, जिस डायरेक्शन में चला था उसी डायरेक्शन में। और अगर दो राइट लेता है या दो लेफ्ट लेता है या दो लेफ्ट लेता है, तो उसका जो डायरेक्शन था, जिस दिशा में उसका मुख था, उसके विपरीत हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तो मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो यहां आप देखोगे ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ये बंदा था स्टार्टिंग में वेस्ट में और इसने दो बार क्या लिया, राइट लिया। राइट का मतलब क्या होता है सर, क्लॉकवाइज, तुम करके भी देख सकते हो, क्लॉकवाइज मतलब दो बार, क्लॉकवाइज मतलब दो बार 90-90 डिग्री, एक बार राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक राइट दो राइट। मैंने पहली बार घुमा नॉर्थ पहुंच गया पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, और दूसरी टाइम में मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट। तो मैंने डायरेक्ट तुमको क्या बोल दिया, अगर दो बार राइट ले ले या दो बार लेफ्ट ले ले, तो जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहां ये उत्तर पश्चिम दिशा में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। क्लियर है यहां तक की बात, इस क्वेश्चन को खुद करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो। स्टार्टिंग में वो उत्तर दिशा में है, उसके बाद उसने दाई ओर मोड़ लिया, बाई ओर मोड़ लिया, दाई ओर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने साउथ डायरेक्शन में वो पहुंच गया, मतलब दक्षिण बिंदु पर पहुंच गया, उसके बाद एक बार दाई ओर मुड़ा, एक बार बाई ओर मुड़ा, एक बार दाई ओर। अब उसका मुख किस डायरेक्शन में है, अब उसका मुख या फेस किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, बोलो जल्दी से फटाफट से, दो क्वेश्चन ये खुद कर लोगे। यहां तक की ये चीजें तुम्हें क्लियर हुई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहां ये आपका टॉपिक जो 3 थे, 3 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अपने को मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, डायरेक्ट क्या करना है, मतलब हम क्वेश्चंस को पकड़ना ऐसे है कि आपको कितना भी दायां बायां कैसा भी घुमाए, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, जब अपने को आंसर में वैल्यू ना दे रखी हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़ी स्टेटमेंट के, एंगल वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू।